हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 28 फरवरी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में वज्र नामक छठा तटरक्षक गस्ती पोत लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि चेन्नई में। अभी रिसेंटली चेन्नई में वज्र नाम का एक तटरक्षक गस्ती पोत, ये छठा तटरक्षक गस्ती पोत होगा, तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई में। ये जो पोत है ये भारतीय जो हमारी जो तटरक्षक सीमा है, जो करीब 7,500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, उसकी सुरक्षा को मजबूत करने में इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके मतलब जिससे ये जो पोत होगा इससे मतलब गश्त लगाई जाएगी समुद्र में, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य की सबसे लंबी तटरेखीय सीमा है समुद्र के साथ मतलब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा जो है सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि कौन सा देश सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड विश्व का पहला देश बन गया है जहां पर सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो भी होंगे वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। तो जितने भी जो पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पर कि लोगों की आवाजाही रहती है आमतौर पे, ठीक है, सरकारी जो प्लेस हैं आप कह सकते हो जिनको, वहाँ पर मुफ्त में जो है ये सैनिटरी उत्पाद, सैनिटरी प्रोडक्ट जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कॉटलैंड में जो है सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि IQ ईयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे प्रदूषित देशों के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी रिसेंटली IQ ईयर ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें भारत को 5वां सबसे प्रदूषित देश कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो PM 2.5 प्रदूषण वाले सबसे ज़्यादा देशों, सबसे मतलब जो टॉप के जो कंट्रीज़ हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान का स्थान आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपके लिए टॉप 5 की जो सूची बनाई है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर से। बांग्लादेश को जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो, लिहाज से, ठीक है। तो सबसे प्रदूषित शहर है बांग्लादेश, देश है बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, फिर मंगोलिया का है और फिर अफगानिस्तान का है और देन भारत का। तो आप देख रहे होंगे कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रदूषित हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देश की जगह पर अगर आपसे शहर पूछा जाएगा, तो भारत का जो गाजियाबाद शहर है उसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। देन उसके बाद चीन का होतन है, फिर गुजरनवाला जो कि पाकिस्तान में स्थित है, फैज़लाबाद पाकिस्तान में है, दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रखा गया है, नोएडा, गुड़गांव, ये सभी भारत के हैं, तो ये सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का भी जो है सबसे प्रदूषित शहर, 10 सबसे टॉप 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं उसमें से मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं वो हमारी इंडिया से आते हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर हम बात करें PM 2.5 की, तो ये क्या चीज़ होता है? तो इसको काफ़ी हानिकारक माना जाता है, ये माना जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। जो फेफड़े या फिर जो हमारा हृदय है उसकी प्रणाली को जो है ये उस पर जो है ये असर डालता है। इसमें बेसिकली सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके के हानिकारक तत्व इसमें शामिल होंगे तो वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो भारत की कंडीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पोल्यूशन की जो स्थिति है वो बस से बदतर होती जा रही है। तो मैंने आपको बताया और आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद रखनी होंगी क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि फरवरी 2020 में जावेद अशरफ को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि फ्रांस में। अभी रिसेंटली जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है।
वर्तमान में सिंगापुर में ये भारत के उच्चायुक्त हैं, तो अब इनको उच्चायुक्त से राजदूत बनाया गया है फ्रांस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर विनय मोहन क्वात्रा का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिन्हें अब नेपाल में भारत का जो नेपाल में भारत के का राजदूत बना दिया गया है। वर्तमान में भारत के जो राजदूत हैं नेपाल में उनका नाम है मनोज सिंह पुरी, तो अब मनोज सिंह पुरी का स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा, तो इनकी नियुक्ति नेपाल में भारत के उच्चायुक्त के रूप में की गई है। फ्रांस की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रांस में नियुक्त किए गए हैं जावेद अशरफ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो ये हमें यहाँ पर से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिन का उद्देश्य है जो एनजीओ हैं यानी कि जो गैर सरकारी जो संगठन क्षेत्र के क्षेत्र हैं जो कि काम करते हैं लोगों के भलाई के लिए, उन लोगों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसका आयोजन होता है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसको मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला कि रेज 2020 यानी कि रिस्पॉन्सिबल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है RAISE, और उसी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो ये सम्मेलन था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन था ये, जिसका आयोजन अभी रिसेंटली नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, माफ करिएगा, किया जाएगा 11 और 12 अप्रैल को इसका आयोजन होने वाला है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर से पता होना चाहिए कहाँ किया जाएगा, हाँ ठीक है, कहाँ किया जाएगा, तो ये हमें कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा 11 और 12 अप्रैल को। तो जितने भी दुनिया भर के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है, तो इसके जो मंत्री हैं यानी कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है कि फरवरी 2020 में मास्टर कार्ड ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मास्टर कार्ड ने अजय पाल सिंह बंगा को अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अजय बंगा वर्तमान में मास्टर कार्ड के CEO हैं और इनके स्थान पे माइकल माइबेस को जो है CEO बनाया गया है, ठीक है। तो माइकल माइबेस को यहाँ पर बेसिकली CEO बना दिया गया है और अजय पाल सिंह बंगा का प्रमोशन कर दिया गया है और इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में शामिल है। मास्टर कार्ड काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपके पास भी जो है इस कंपनी से बने हुए ATM कार्ड होंगे जिसमें मास्टर कार्ड लिखा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि फरवरी 2020 में सिबिल ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है। सिबिल ने अभी रिसेंटली राजेश कुमार को अपना नया MD और CEO बनाया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहां पर से बिल्कुल सही है। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। जब भी आप मोबाइल या कोई अन्य चीज़ फाइनेंस कराने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका सिबिल क्या है, सिबिल चेक करके बताते हैं, तो ये उसी सिबिल की बात यहाँ पर की जा रही है। वही ये कंपनी है, वही ये लिमिटेड कंपनी है भारत की, ठीक है, जिसके MD और CEO बनाए गए हैं राजेश कुमार। MD और CEO के रूप में ये सतीश पिल्लई का स्थान यहाँ पर लेंगे। सिविल का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त 2000 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है मारिया सारापोवा से कि इनका संबंध कौन से खेल से है। मारिया सारापोवा टेनिस की खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। रशिया की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये टेनिस की और ये 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है यहाँ पर क्योंकि मारिया सारापोवा ने ये घोषणा की है कि वो अब टेनिस नहीं खेलेंगी, यानी कि उन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो गया है। सो अभी रिसेंटली श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो गया है। ये जो प्रस्ताव था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो प्रस्ताव था उसमें
तमिल अलगाववादियों के लिए गृह युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जवाबदेही हेतु वकालत की गई थी। आप सभी को पता है कि श्रीलंका में तमिल शरणार्थी तमिल अलगाववादियों के लिए काफ़ी मुसीबत है, वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार वगैरह होते हैं, तो उसी के लिए जो है ये प्रस्ताव था जिससे अलग हो गया है श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पीबी सिंधु। पीबी सिंधु को आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 1440, और इसी के साथ जो है एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसका शीर्षक था भ्रष्टाचार रोको। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर के बारे में, तो आप याद रख सकते हैं 1414400 हेल्पलाइन नंबर है और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं पीबी सिंधु। चलिए अच्छा कमेंट करके बताइए पीबी सिंधु का संबंध कौन से खेल से है। ठीक है, पीबी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है ये कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत और किस देश के मध्य इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। 24 फरवरी से इस बार जो है इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, छठा संस्करण इस बार हुआ था और ये जो अभ्यास था इसका इस बार फोकस रखा गया था बेस डिफेंस और एंड फोर्स प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो है इसका फोकस था या कह सकते हो थीम था इस सैन्य अभ्यास का। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है। चलिए विश्व के सबसे अमीर शख्स के बारे में बात करते हैं, तो विश्व के सबसे अमीर शख्स बने हैं जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं जेफ बेजोस, 140 अरब डॉलर इनकी नेटवर्थ है, या कह सकते हो टोटल जो है इनकी इनके पास पैसा है। वहीं पर LMBH के जो कंपनी के जो प्रमुख हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये जो है दूसरे स्थान पे हैं, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी नेटवर्थ है 104 अरब डॉलर। मुकेश अंबानी को इस सूची में 9वें स्थान पे रखा गया है, लेकिन एशिया के हिसाब से देखा जाए तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं पर ओयो होटल्स आपने सुना होगा, इसके संस्थापक हैं रितेश अग्रवाल। ये दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति चुने गए हैं, दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति चुने गए हैं ओयो होटल्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल। और सबसे युवा जो अरबपति हैं उनका नाम है काइली जेनर, ठीक है, जो कि कॉस्मेटिक का काम करती हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड जो है इनके प्रोडक्ट आते हैं, तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में 137 अरबपति जो है रहते हैं, यानी कि 137 लोग ऐसे हैं जो कि अरबपति हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए आज के प्रश्न की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वीडियो शेयर भी करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर्स जुटाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सो उसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।